हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि रैना, आप देख रहे हो फिटनेस आरएस यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर गया हूँ चेस्ट की एक्सरसाइज, जो कि आपके बीच की गाय है और अपर चेस्ट के लिए चार इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेकर गया हूँ। तो इसे आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हो तो आपका बीच की गाय भी एकदम क्लियर हो पाएगी और अपर चेस्ट भी आपका एकदम ऊपर को चढ़ जाएगा। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, एंड तक देखना ना भूलें। तो आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, रवि फिटनेस आरएस के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो सही वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वही वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा वार्म अप कर चुका हूँ और आपको वार्म अप इस तरीके से करना है। वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर करें, अपनी चेस्ट की मसल खोल लेनी इस तरीके से, और आप पुशअप वगैरह भी मार सकते हैं। मैं तो पुशअप वगैरह मार चुका हूँ इस तरीके से। तो आपको इस एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये मैंने एक ईंट ले रखी है और दो डंपल ले रखे हैं, और आप पे डंपल नहीं है तो आप ईंट से ही यूज कर सकते हैं, ईंट से ही अपना वर्कआउट कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपको कुछ इस तरीके से लगानी है, साइड से दिखाता हूँ। इस तरीके से बॉडी सीधी रखनी है अपनी, इस तरीके से चेस्ट ऊपर की तरफ, इस तरीके से होल्ड करके थोड़ी देर, सिरों नीचे ऊपर होल्ड, होल्ड करना थोड़ी देर ऊपर, इस तरीके से होल्ड करके रखना। तो माइक से चेस्ट की गाय पूरी देख नहीं पा रही है। तो आप देख रहे हैं पूरी चेस्ट की गाय। तो सामने से मारते हैं इस एक्सरसाइज को इस तरीके से, ये इस तरीके से लगानी आपको एक्सरसाइज। तो पहला सेट हो चुका है, तो इस एक्सरसाइज के आपको तीन सेट लगाने हैं, जैसे कि मैंने अभी लगा कर दिखाई थी। और इस तरीके से आपको चेस्ट खोलना है इसे, इस एक्सरसाइज लगाने के बाद। तो इस एक्सरसाइज के तीन सेट लगाने आपको, और अगले एक्सरसाइज लगाते हैं। तो अगली एक्सरसाइज आपको कुछ इस तरीके से लगानी है, ये यहाँ रखनी डंपल, और इस तरीके से ले जाना आपको ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से। इस तरीके से तो साइड से इस तरीके से, तो एक अच्छी फॉर्म में आपको एक्सरसाइज लगानी है, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए आपकी एक्सरसाइज की इस तरीके से। तो हो चुका है वर्क एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको तीन ही सेट लगाने हैं, वो आप थोड़ा रेस्ट लेंगे फिर लगाएंगे अगले एक्सरसाइज। तो इसी तरीके से लगानी है आपको एक्सरसाइज, तो फिर थोड़ा चेस्ट की मसल खोलेंगे। तो ये आपकी वर्कआउट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, जब भी आपकी मसल अच्छी ट्रेन होगी। तो ये अगले एक्सरसाइज लगाते हैं। तो अगली एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से लगानी है आपको, सिंगल हैंड से, ये इस तरीके से होल्ड करते हो ऊपर की तरफ, इस तरीके से, ये जब आपको ऊपर लाते हो तो यहाँ थोड़ा होल्ड करना आपको हाथ, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस हैंड से लगाते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा ट्रेन हो रहा अच्छे से चेस्ट। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको तीन सेट लगाने हैं, मैं आपको एक एक सेट लगा के बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फिर थोड़ा रेस्टिंग फिर लगाएंगे अगले एक्सरसाइज, आखिरी और फाइनल एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आपको चेस्ट की मसल जो खोलते रहना अच्छे से,
तो आपको वर्कआउट करने में थोड़ी आसानी होगी और आपको इंजरीज के भी चांसेस थोड़े कम होंगे। तो ये लगाते हैं ईंट से वर्कआउट। तो ईंट से वर्कआउट आपको इस तरीके से लगाना है, इसको आपको इस तरीके से दोनों हाथों में खींच लेना है इस तरीके से, और सामने की तरफ होल्ड करते हुए एकदम नीचे सामने की तरफ पूरी तरीके से अच्छा चेस्ट ट्रेन हो, एकदम पूरा लोड आना चाहिए आपकी चेस्ट के मसल पर अच्छे से, पूरा फोकस आपका चेस्ट पे अच्छे से इस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं। दोस्तों वर्कआउट हो चुका अपना फाइनल। देखिए हमने 2 डंपल और 1 ईंट से अपना कैसे वर्कआउट फाइनल किया। तो आप डंपल की जगह ईंट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए चेस्ट हो चुका पूरा पंप अच्छी तरीके से, गाय निकल चुकी है, चेस्ट हो चुका पूरा ट्रेन अच्छी तरीके से। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो की स्टॉक प्लानिंग कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब कि नहीं जाए और बंदे मातरम।